अस्सलाम वालेकुम जी। सुत्ती पई उठी हैं, वाल खिल रहे ने, जुमे रात का दिन है। और इसकी ख़ास बात यह है, अगर मैं जाके बैठ जाऊँ करंगी स्टॉप पे और कहता रहूँ भाई अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो और नहीं तो 1000-2000 की दिहाड़ी तो डन है। यहाँ ये काम बड़ा चलता है कराची में। खैर, अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीछे थोड़ा सा पानी लीक हो रहा है, उसको बंद करना है, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की जो स्टोरी है वो एक मेरी अपनी स्टोरी है, और उस स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं। आज से 15 महीने पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया इंटरव्यू लेने के बाद, ये कह के कि भाई आप तो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन ना हमारे पास 100 से ज़्यादा बंदे रखने की जगह नहीं है, इसलिए आप ना अपना कहीं और बोरिया बिस्तर ले जाएँ। उस वक्त तो मैंने सह लिया, मैंने कहा जी सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन आज जो है ना, एकदम हमने जज्बात पलट दिए, एकदम हालात पलट दिए। आज उसी यूनिवर्सिटी में जिसने 15 महीने पहले मुझे रिजेक्ट किया था, मैं बतौर विजिटर जा रहा हूँ। हाँ भाई, विजिटर के तौर पे जाऊँगा, कौन सा मैंने वहाँ का वाइस चांसलर लग जाना है। तो सी यू देयर। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार। अभी हम आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, सालिक भाई से रब्ता करेंगे। यहाँ पे हमने 2 सेमिनार देखे हैं, सेमिनार देखे हैं मतलब उनके हमने इश्तिहार देखे हैं, एक ये वाला पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वाला और दूसरा टाइफाइड फीवर वाला। ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं, अच्छा लगा। अब हम करते हैं सालिक भाई को फ़ोन और उनको ढूंढते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार, डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़, कट कट के पीजा टॉनिक जीत का यार, रट्टा मार रट्टा मार। हाँ भैया, कैमरे में ना मैं कराची वालों की तरह बोलता हूँ। हेलो कैसे हो यार, हेलो कैसे हो यार। एक कराची वाले भाई हमारे साथ हैं, सालिक भाई। अभी हम अंदर गए यूनिवर्सिटी से, वो ना शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए हमने कैमरा नहीं निकाला कि शक हो जाए किसी को कि बंदा बाहर का। अभी हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स सेंटर, थोड़ी बहुत रास्ते में दिखाते हैं आप। किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार, वो टकपक टकपक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार, डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़, कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार, रट्टा मार। भैया ये टीचिंग रूम है, हाँ ये टीचिंग एरिया है, यहाँ पे टीचिंग टीचिंग होती है, कोई बाहर ना आ जाए इसलिए निकल जाए यहाँ से। हाँ भैया, ये देख रहे हैं आप, ये फवारे शवारे लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। ये साहिल की तरफ बीच बीच वाला माहौल बनाया है मैंने साहिल बीच में, ठीक है। परिंदे उड़े हैं, कभी टेंशन हो तो यहाँ छलांग ऊपर से या नीचे छलांग भी मार सकते हैं आप। कितना कह रहे हैं तो बताइए, ट्राई नहीं करा, ट्राई करना। ये बर्थडे होती है ना तो फेंकते हैं उसे। वाकई तुम्हें फेंका? नहीं, हॉस्टल में होता है हमारे। हाँ हॉस्टल में तो अच्छा खासा होता होगा। किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार, वो टकपक टकपक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार। ये क्रिकेट ग्राउंड है पूरा, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अभी हम गए थे एक किस जगह पे, क्या नाम था उसका, सी आई एम ई। वहाँ पे उन्होंने हमें जाने से रोक लिया कि आप स्टूडेंट नहीं है। हमने कहा जी अच्छा ठीक है, हम वापस आए, पीछे से आवाज़ी भाई आ जाओ 60 मिनट लो, और हम अंदर चले गए। फिर वहाँ जाके हमने पानी पिया। ओ भूल जा एवरेस्ट, चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार। हाँ भाई, ये सिपाही वाली बिल्डिंग है यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ओ भूल जा एवरेस्ट, चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार रट्टा मार, वो टकपक टकपक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार
रट्टा मार डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट के पीजा टॉनिक जीत का यार रट्टा मार। भैया अब हम जा रहे हैं निहारी खाने, कौन से वाली? जाहिद जाहिद भाई की निहारी है, बड़ी बेहतरीन बनाते हैं सुना है। बाकी कराची में थोड़ा बहुत ज़रा खतरा होता है भाई कह रहे हैं, इसलिए लैपटॉप नहीं होना चाहिए बैग में। भैया ना ऐसी बात नहीं है, ख्याल करना चाहिए। ओ टक पक ब्रेड को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार रट्टा मार। भैया ये हमने निहारी शिहारी खा ली है, अहमद सालिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेहमान नवाजी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगा दोगी जब ये लाहौर आएंगे किसी काम के लिए। मेरी आवाज़ पे जा नहीं रही होगी जितना ऐसा मैं बोला हूँ कि अहमद सालिक भाई हमारे साथ थे। थैंक यू।